हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इस क्लास में आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई है उसी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यह। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब होगा बिहार, जो कि ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी है शिताब राय, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद राज खान को। ठीक है, रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1665 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रहण करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसे पास ऐसी क्षमता थी। ठीक है, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चला था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765 और ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन ए चांदनी चौक से पालम, ऑप्शन बी दिल्ली से बिहार, ऑप्शन सी पेशावर से बिहार, ऑप्शन डी पेशावर से वाराणसी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए, इसमें स्टार मार्क लगाया गया है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है
शाह शुजा से ऑप्शन बी है, जमा शाह से ऑप्शन सी है, दोस्त मोहम्मद से ऑप्शन डी है, शेर अली से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। ठीक है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गए। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी है मैसूर में, ऑप्शन सी है बंगलौर में, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है नंदराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। ठीक है, इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब उसके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। ठीक है, तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है कैप्टन स्ली मैन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स। इस ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैप्टन सैलीमैन। ठीक है, ठगों ने में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन
सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है दास प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन सी है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ऑप्शन ये कथन है, चौथा कथन है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के प्रारंभ किए थे, मतलब कौन विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें से कौन कौन से कथन। ठीक है, तो पहला सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधानों को हटाना, और चौथा है ठगों से संगठित गिरोहों का दमन। तो नीचे दिए गए कूटों का चयन करना है। ऑप्शन ए है में पहला केवल एक और दो कथन है, ऑप्शन बी है में है केवल पहला तीसरा और चौथा कथन, ऑप्शन सी में है केवल पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी में केवल पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और ऑप्शन ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, और चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ठीक है, तो विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। कब बने तो 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। ठीक है, बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चल दिया। ठीक है, वह परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया, इसीलिए कथन पहला दूसरा और चौथा इसका सही कथन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने संधि विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन ए है वेलिंगटन, ऑप्शन बी है सैलीमैन, ऑप्शन सी है नेपियर, ऑप्शन डी है लॉरेंस, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा नेपियर। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलियम ब्रिटिश भारत में कर लिया। यानी कि क्या कह रहा है कि 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल की द्विशासन प्रणाली जो है जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। द्विशासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रावधान को आज्ञा की कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मुहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके और आपका और हमारा यह चैनल AV Academy ग्रोथ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।